देश में पहली बार दो ओलंपिक खिलाड़ी सियासी मैदान में एक दूसरे के खिलाफ अपना दम दिखा रहे हैं। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट अब देश की हॉट सीट बन गई है। यहां पर भाजपा ने शूटर को फिर से राजनीति के दंगल में उतार दिया तो कांग्रेस ने एथलीट को सियासी समर में उतार कर मुकाबले को रोमांचक बना दिया है। देखिए खास रिपोर्ट खिलाड़ी के खिलाफ खिलाड़ी। कभी देश के लिए जंग लड़ते थे दोनों, देश के लिए पदक जीतने में दिखाते थे दम, अब एक दूसरे के खिलाफ उतर आए दमदार। पूर्व ओलंपियन की अब सियासी मैदान में भिड़ंत, शूटर का मुकाबला एथलीट से, आखिर कौन जीतेगा और किसकी होगी शिकस्त। देश की हॉट सीट बनी जयपुर ग्रामीण। छह साल पहले 2013 में अलग अलग जगह और अलग अलग पार्टी से राजनीतिक पारी शुरू करने वाले दो ओलंपियन राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और कृष्णा पूनिया ने कभी सोचा नहीं होगा कि कभी ऐसा भी मौका आएगा कि दोनों कभी एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में होंगे। लेकिन पार्टियों की जीत की चाहत ने दोनों को एक दूसरे के खिलाफ लोकसभा रण में खड़ा कर दिया है। भाजपा ने राठौड़ को लगातार दूसरी बार जयपुर ग्रामीण सीट से मैदान में उतारा, वहीं कांग्रेस से एथलीट कृष्णा पूनिया को बैटल ऑफ लोकसभा में उतार कर सबको चौंका दिया। कृष्णा अभी सादुलपुर से कांग्रेस विधायक तो कर्नल राठौड़ केंद्र में मंत्री है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पदक विजेता ओलंपियन शूटर है। 2004 एथेंस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। कॉमनवेल्थ में 4 पदक भी जीत चुके हैं। एशियन गेम्स में 2 पदक जीत चुके, वहीं विश्व चैंपियनशिप में 3 पदक जीते। साथ ही राठौड़ को 2005 में पद्मश्री और 2005 में खेल रत्न अवार्ड मिला। वहीं कृष्णा पूनिया ओलंपियन डिस्क थ्रोअर है। कृष्णा 3 बार ओलंपिक में खेल चुकी है। कॉमनवेल्थ गेम्स में 1 पदक जीता, एशियन गेम्स में 2 पदक जीते और साथ ही 2011 में कृष्णा को पद्मश्री अवार्ड मिला। हालांकि भाजपा ने राज्यवर्धन सिंह का नाम जहां पहली सूची में तय कर दिया था, लेकिन कांग्रेस को बड़ा मंथन करना पड़ा। पहले मंत्री लालचंद कटारिया का नाम, बाद में यादव उम्मीदवार की तलाश में कांग्रेस जुटी। ओलंपियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह का नाम भी सामने आया, लेकिन फैसला कृष्णा पूनिया के नाम पर हुआ। अब दोनों सियासी युद्ध वीरों के मैदान में उतरने के साथ वोट गणित का आंकलन भी होने लगा है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीट आती है, झोटवाड़ा, कोटपुतली, विराटनगर, शाहपुरा, फुलेरा, आमेर, जम्बा रामगढ़ और बानसूर। जहां झोटवाड़ा, कोटपुतली, विराटनगर, जम्बा रामगढ़ और बानसूर में कांग्रेस विधायक है, वहीं फुलेरा और आमेर से भाजपा विधायक, जबकि शाहपुरा से निर्दलीय विधायक अब कांग्रेस के साथ है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में 19,33,000 वोटर है। जाट मतदाता 4.5 लाख, यादव मतदाता 3.5 लाख, ब्राह्मण मतदाता 3 लाख, वैश्य मतदाता 2.5 लाख, राजपूत मतदाता 1,50,000, SC/ST मतदाता 4 लाख है। बहरहाल खेल के मैदान में दम दिखा चुके दो खिलाड़ी अब लोकतंत्र के मैदान में जनता की कसौटी पर है। फैसला तो जनता जनार्दन ही करेगी, लेकिन ये तय है कि देश के सबसे बड़ी पंचायत में एक ओलंपियन खिलाड़ी प्रतिनिधित्व करेगा। नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।